ओके, तो आप लोगों का आज का जो टॉपिक है दैट इज हमारा अग्री बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे। आज हम लोग करने वाले हैं कि एडवर्टाइजमेंट का मैसेज पहुंचाने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज की जाती है। ठीक है, आप सबको स्क्रीन विजिबल है? क्या आपको स्क्रीन यस मैम। ऑलराइट जी, तो मैसेज पहुंचाने के लिए हमारे 6 टाइप्स यूज किए जाते हैं, 6 तरीके हमारे मैसेज को आगे पहुंचाने के। फर्स्ट इज हमारा एडवर्टाइजमेंट जब इमोशनली कनेक्टेड है। ठीक है, कुछ एडवर्टाइजमेंट आपने देखे होंगे कि उसमें जो मतलब स्टोरी दिखाई जाती है वो बहुत इमोशनल होती है, और फिर उस हिसाब से सबको कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, जो आपकी एडवर्टाइजमेंट फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट टाइप है दैट इज इमोशनल एडवर्टाइजमेंट, और उससे लोग कनेक्ट करते हैं, और जब इमोशनली कोई पर्सन कनेक्ट होता है तो उसके बाद फिर वो उस चीज से जरूर इंस्पायर होता है और उसे जरूर दोबारा परचेज करता है। ठीक है, सेकेंड टाइप इज यूनिक सेलिंग पोजिशन। यूनिक सेलिंग पोजिशन प्रपोजिशन इज व्हेन जब आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो बहुत यूनिक तरीके की है। ठीक है, जैसी आपकी एडवर्टाइजमेंट है वो किसी और ने आज तक सोची भी नहीं है, और जो कंसेप्ट आप लेकर आए हो ऐसा कंसेप्ट किसी और का है ही नहीं। ठीक है, आपको जिससे याद होगा हमने इससे पहले एक दिन पढ़ा था कि जो वोडाफोन था उसने स्टार्ट किया था कि जो रियल ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी जगह पर कुछ डमीज टाइप से उन लोगों ने स्टार्ट किया था। ठीक है, एक डॉगी था उसके थ्रू किया था उन्होंने, तो उनकी कुछ यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, और उस वजह से वोडाफोन की सेलिंग भी बढ़ी थी। थर्ड टाइप इज जेनेरिक। जेनेरिक इज जब आप लोग कुछ अलग से हाईलाइट कर देते हो। ठीक है, कुछ अच्छी सी आप लोग कोटेशन डाल देते हो अपनी एडवर्टाइजमेंट के अंदर। ठीक है, कि आपने अपना अच्छा कोई भी कोटेशन याद हो आपको किसी भी प्रोडक्ट की, कोई कोटेशन याद है किसी प्रोडक्ट की जो बहुत फेमस हो? कोटेशन पूछी थी मैंने किसी को, कोई कोटेशन याद है किसी प्रोडक्ट की फेमस हो? मैम अभी याद नहीं हो रहे हैं। याद नहीं आ रही है? सर कोई बात नहीं, एक एक कोटेशन थी जैसे वोडाफोन और आइडिया अभी कंबाइन हुए ना, तो इन दोनों का एक कोटेशन आया था वी करके, राइट, वी आई करके इनका एक कोटेशन आया था, तो वो होता है डिफरेंट यूनिक जेनरिक जब आप एडवर्टाइजमेंट देते। ठीक है, नेक्स्ट इज पोजिशनिंग। जब आप अपनी पोजिशनिंग करते हो यानी आप मार्केट के अंदर अपनी पोजिशन देखते हो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, और उस बेसिस के ऊपर आप अपना एडवर्टाइजमेंट करते हो। आपने सुना होगा कई बार जो बेसिकली जो न्यूज चैनल्स हैं वो लोग क्या करते हैं, वो अपनी पोजिशन बताते हैं कि आप फॉर एग्जाम्पल एबीपी है, एबीपी सेज कि हम नंबर 1 के ऊपर है। ठीक है, नंबर 1 सबसे ज्यादा जो चैनल देखा जा रहा है वो एबीपी देखा जा रहा है। रिपब्लिक भारत सेज कि हम नंबर 1 पे हैं आज तक पीछे। तो जब आप अपनी पोजिशन के बेसिस पे अपना एडवर्टाइजमेंट करते हो दैट इज पोजिशनिंग एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट इज ब्रांड इमेज। ब्रांड इमेज इज जब आप जब हम लोग अपनी ब्रांड इमेज के बेसिस के ऊपर हम अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जॉनसन एंड जॉनसन, जब भी जॉनसन बेबी के किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट होती है तो वो अपना जॉनसन एंड जॉनसन का ब्रांड यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रियम्प्टिव। प्रियम्प्टिव हमारा लास्ट है। ठीक है, लास्ट टाइप ऑफ स्ट्रेटजी है। प्रियम्प्टिव इज जब आप किसी पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस को यूज करते हो। ठीक है, जब आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट बनाते हो वो आती है प्रियम्प्टिव।
अब आता है व्हाट इज एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन. एडवर्टाइजिंग कैंपेन क्या होता है? एडवर्टाइजिंग कैंपेन इज जब आपने एक एडवर्टाइजमेंट बना लिया, आप उसको दिन में कितनी बार शो करवा रहे हो, ठीक है, आप कितनी बार उसको पब्लिश करवा रहे हैं, कितनी बार आपकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो किस पर्टिकुलर चैनल पे कितनी बार आ रही है, ठीक है, नंबर काउंट में आ रही है, जैसे तीनों टाइम एक एक बार आ रही है, या फिर फाइव टाइम्स आ रही है मॉर्निंग में, थ्री टाइम्स आ रही है लंच के टाइम पे, ठीक है, सिक्स टाइम्स आ रही है आपके डिनर टाइम पे. तो वो होता है एडवर्टाइजिंग कैंपेन कि आप कितना टाइम तक अपनी एडवर्टाइजमेंट को चला रहे हैं. नेक्स्ट इज हाउ टू प्लान अ मीडिया बजट. मीडिया बजट इज जब आप अपना एडवर्टाइजमेंट के ऊपर होने वाला खर्चा डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि हम अपना एडवर्टाइजमेंट के ऊपर इतना अमाउंट खर्च करने वाले हैं और इस अमाउंट को हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे, कितना कितना परसेंट किस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर हम लोग खर्च करने वाले हैं. तो हम लोग बजट बनाते टाइम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं. सबसे पहले हम अपना गोल डिसाइड करते हैं, दैट व्हाट विल बी आवर स्ट्रेटजी रिलेटेड टू एडवर्टाइजमेंट. हम कौन सा एडवर्टाइजमेंट यूज करने वाले हैं, इधर हम लोग टेलीविजन के थ्रू एडवर्टाइज करने वाले हैं, न्यूज पेपर्स के थ्रू एडवर्टाइज कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू एडवर्टाइज कर रहे हैं. तो वो डिपेंड करता है, ठीक है, और उस बेसिस के ऊपर आपका फर्स्ट स्टेप है कि आप एस्टेब्लिश करोगे आपका गोल क्या है, कि आप कहाँ पर अपना एडवर्टाइजमेंट जो है वो दिखाना चाहते हैं. सेकेंड इज एलोकेट बजट. और जब आपने डिसाइड कर लिया कि आप कितना अपना एडवर्टाइजमेंट किस मीडिया के थ्रू करना चाहते हैं, तो आप उस बेसिस पे अपनी फाइनेंस को एलोकेट करते हो कि इतना फाइनेंस हम टेलीविजन बजट्स के लिए दे रहे हैं, देन इतना फाइनेंस हम लोग न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट के लिए दे रहे हैं. तो आप एलोकेट कर देते हैं सेकेंड स्टेप के ऊपर. थर्ड इज प्लान योर टाइमलाइन. देन आप टाइमलाइन डिसाइड करते हो कि आप किस मीडिया के ऊपर कितने टाइम तक अपनी एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहते हो. एक मंथ तक कंटिन्यूसली दिखानी है, 15 डेज तक कंटिन्यूसली दिखानी है, 2 मंथ्स तक दिखानी है, 6 मंथ तक दिखानी है. एंड थर्ड स्टेप पे आप अपना टाइमलाइन डिसाइड करते हो. नेक्स्ट इज एस्टैब्लिश मैसेजिंग एंड क्रिएटिव एसेट्स. देन आप अपने मैसेज कुछ आप अपने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कुछ मैसेज देना चाहते हो, तो वो आप उस हिसाब से डिसाइड कर दो, ठीक है. आप अपना स्पेसिफिकली क्या चीज आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हो अपने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, वो सब आप इस फोर्थ स्टेप पे करते हैं. देन गेट बजट अप्रूवल. जब आप लोगों ने बजट को एक ओवरव्यू दे दिया कि इस तरीके का हमारा बजट होने वाला है, तो अपने बजट को आप अपने हायर अथॉरिटीज से अप्रूव करवाएंगे. देन अब जब आपकी हायर अथॉरिटीज ने उसे अप्रूव कर दिया, देन यू विल प्लान योर मीडिया. देन आप उसके बाद अपनी एलोकेशन कर देते हो, जिसको जितना फाइनेंस देना वो आप दे देते हो, सेल अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट. और जब आपकी एडवर्टाइजमेंट अच्छी हो जाती है, तो आपके प्रोडक्ट्स ज्यादा अच्छे से बिकना स्टार्ट होते हैं. और फिर अगर उसके बावजूद आपके प्रोडक्ट्स की सेलिंग के अंदर ज्यादा इंक्रीज नहीं आया, मैसिव इंक्रीज नहीं है आपकी सेलिंग के अंदर, तो फिर आप चेक करते हैं कि जो मीडिया आप यूज कर रहे हो दैट इज रेलेवेंट और नॉट, ठीक है. आपका जो मैसेज आप कन्वे करना चाह रहे थे वो कन्वे हुआ है या नहीं हुआ है. अब आता है राइटिंग एन इफेक्टिव रिपोर्ट. कि आप जब एक इफेक्टिव रिपोर्ट लिखते हो तो क्या क्या चीजें आप उसके अंदर करते हो. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ रिपोर्ट यू आर गोना राइट. तो वो आता है आपके फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर. अ कॉन्ट्रैक्ट रिपोर्ट इज अ ब्रीफ समरी ऑफ मीटिंग. कॉन्ट्रैक्ट रिपोर्ट आपकी ब्रीफ समरी होती है कि आपकी मीटिंग के अंदर क्या बात हुई, आपने किस तरीके से अपना सारी स्ट्रेटजी बनाई, वो सब इसमें आती है. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई. इफ द मैटर इज इम्पॉर्टेंट इनफ टू डिस्कस, इट इज इम्पॉर्टेंट इनफ टू डॉक्यूमेंट. ठीक है, अगर आपका जो मैटर है जिस बारे में आपकी बात हो रही है वो बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसकी इम्पॉर्टेंस के बेसिस पे आपका जो वो जो जो भी मैटर है वो आपका डॉक्यूमेंटेशन के अंदर होना चाहिए. ठीक है, अगर आप कोई किसी फॉर्मल एरिया के अंदर काम करते हैं, अगर आप कहीं फॉर्मली किसी के साथ डील कर रहे हैं, तो जितना भी काम होगा आपको आइडिया होगा इस चीज का कि वो सारा का सारा काम पेपर वर्क में है. ठीक है, सब लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन करते हैं उसके ऊपर, वो सब चीजें आपकी पेपर डॉक्यूमेंट में होती है. देन व्हेन, अब उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि आप कब उस रिपोर्ट को प्रेजेंट करना चाहेंगे सबके सामने. ठीक है, देन हु. उसके बाद जब आपने रिपोर्ट प्रिपेयर कर ली है और आप कब प्रेजेंट करने वाले हैं ये भी डिसाइड हो गया, देन यू विल डिसाइड कि इस रिपोर्ट को सबके सामने प्रेजेंट करेगा कौन. हम, मैं खुद जिसने रिपोर्ट बनाई है वो प्रेजेंट करने वाला है, या फिर जो हमारा मेन मैनेजर है वो प्रेजेंट करेगा, या फिर कोई और प्रेजेंट करेगा. तो उसके बाद ये डिसीजन भी लिया जाता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ. कि
आपकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो किस तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे, आप वर्बल मतलब उस चीज को वर्बली प्रेजेंट करने वाले हैं या फिर आप किसी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू प्रेजेंट करने वाले हैं या फिर आप कोई प्रेजेंटेशन दिखाने वाले हो सामने वाले को या फिर आप सिर्फ पेपर फॉर्म में प्रेजेंट करने वाले हो, एंड इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस तरीके से अपनी पेपर रिपोर्ट को सबमिट करेंगे. ओके, सो दिस वाज इट, आपका यूनिट 4.